नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, कुछ समस्याओं का समाधान था आप लोगों का, जो मुझे करना था। आप लोगों के सवाल भी इस पर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचा इस पर क्लैरिटी देते हैं। कोशिश तो लाइव आने की थी, बट इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बीच में लाइव स्ट्रीम स्टक हो जाती, इसी वजह से आपकी समस्या का समाधान करने की इस तरीके से सोची है। सबसे पहले वर्कशॉप अटेंडेंट पे आ जाते हैं। आप में से बच्चों ने पूछा कि सर जी, हमारे पास 2 तारीख को वर्कशॉप अटेंडेंट का ईमेल आया है, क्या ये सही है? कितना सही है? क्या इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का हमारे पास ऑप्शन आ गया? तो भाई, अभी वर्कशॉप अटेंडेंट के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, अभी वर्कशॉप कैलकुलेशन के एडमिट कार्ड आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ DSSB के वर्कशॉप अटेंडेंट वाले एग्ज़ाम की। तो इसके लिए आप लोग जानती हैं, 14,000 के आसपास फॉर्म डले हुए हैं, 10,000 के आसपास बच्चे पेपर देने जाएंगे अराउंड, और कॉम्पिटिशन तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अराउंड आप लोगों के 50 के आसपास वैकेंसी है इसमें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कॉम्पिटिशन है। लेकिन इसका आप लोग जानते हैं, टेक्निकल जो पार्ट है उसका सिलेबस बहुत ही अटपटा है, और उसमें आपको मल्टीपल ट्रेड रेफ़र करने पड़ेगी। मैंने आप लोगों के लिए लगभग 10-12 दिन पहले एक टेस्ट सीरीज़ बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं मल्टीपल ट्रेड के क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएँ, तो वो टेस्ट सीरीज़ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहली पेज पे, होम पेज पे आपको बैनर दिख जाएगा वर्कशॉप अटेंडेंट का। टेक्निकल के लिए आपको परेशानी थी, तो वो मैंने अपनी साइड से आपके लिए कर दिया। दूसरा जो सवाल था वो ये था कि सर जी, ग्रुप डी में ITI हटने की क्या उम्मीद है? देखो भाई, अभी ऑफिशियली कुछ भी जो है अनाउंस नहीं है। अगर कोई अनाउंसमेंट आएगी कि ग्रुप डी से ITI अप्रेंटिस कंपलसरी वाला क्राइटेरिया हटा दिया जाता है, तो उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है। तीसरा, टेक्नीशियन में बच्चों ने पूछा कि सर जी, CCS वालों को क्या बेनिफिट मिलता है? हालांकि इस पर मैंने पूरी चर्चा आप लोगों के लिए कर दी है, एक वीडियो और बना दूंगा ताकि ऑफिशियल लेटर आपको दिखा सकूं। बस आपको एज का बेनिफिट मिलता है, 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है अगर आप 25 साल से कम उम्र तक अपनी अप्रेंटिस को कंप्लीट करते हैं। और दूसरा, आप लोगों को जब नौकरी लग जाती है टेक्नीशियन की, उसमें इनिशियल जो 6 महीने होते हैं उसमें आपको ट्रेनिंग में बेनिफिट मिल जाता है। यह जानकारी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से मैंने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान पे आपको ऑलरेडी शेयर कर दी थी। तीसरा, एक बहुत बड़ा सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि DRDO के, आप लोग जानते हैं हम लोग बहुत मेहनत करते हैं DRDO का जब एग्ज़ाम्स आता है, तो DRDO की अभी नौकरी की उम्मीद मत रखें। मैंने 2023 में भी आप लोगों को बोला था वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन 2024 के एंड में आप लोग थोड़ी सी उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको वैकेंसीज देखने को मिले, लेकिन अभी आस मत कीजिए। अभी रेलवे की जो वैकेंसीज आ रखी हैं उनके लिए प्रिपेयर रहिए, अपने आप को मजबूत करके रखिए। लेकिन अभी DRDO से लास्ट जो ईयर एंड है, अभी तक जो है आप लोग उस पर अपनी उम्मीदें मत टिका के रखो, क्योंकि अभी कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन DRDO की कोई ऐसी नहीं है कि आपको वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी। जहाँ तक मेरे सोर्स है, मैं जो इन्फॉर्मेशन निकलवा पाया वो यही है कि ईयर एंड के 3-4 महीने में आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, तो अभी आप लोग वेट कीजिए। तीसरा, नेवी ट्रेड्समैन का रिजल्ट कब आएगा? देखो भाई, नेवी का रूल है कि वो एग्ज़ाम बहुत जल्दी करवाती है, 2 महीने के अंदर अंदर, जैसा इस बार भी उन्होंने करवाया है, पहले भी करवाया था, लेकिन रिजल्ट में आप लोगों के लगभग 5 से 6 महीने लगा देती है। तो बहुत जल्दी उम्मीद मत रखना कि इसका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा, तो इसके लिए भी आप लोग वेट करना, जैसे ही रिजल्ट आएगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद मैं बस आपको यही बोलूँगा कि आप लोगों के माइंड में कोई ऐसा सवाल जिसने आप लोगों को परेशान कर रखा है, और आई थिंक एक HDSC से रिलेटिव भी कुछ परेशानी है बच्चों में कि सर जी, हमारा एग्ज़ाम का तो डेट आ गया, 14th को एग्ज़ाम है, लेकिन जो एडमिट कार्ड है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो उसके एडमिट कार्ड अभी देखो आए नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर कोई आता है अपडेट तो मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। बाकी मेरी साइड से इतनी ही जानकारी थी, मैं बस इतना ही आप लोगों को बोलूँगा। रेलवे जो वैकेंसीज आई है, हालांकि आपको काउंट कम देखने को मिला है, लेकिन आप पूरी जान लगा दीजिए उसके लिए अपनी, तभी आप लोग जो है कुछ अच्छा कर पाओगे, क्योंकि रेलवे की नौकरी बिना मेहनत के, आप लोगों को कड़ी मेहनत के मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसका सिलेबस आप लोग जानते हैं किस तरीके का अटपटा सिलेबस है। एक सवाल और आया था कि सर जी, टेक्नीशियन के सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है, एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है, तो CBT 1 और CBT 2 जो रूल चला हुआ आ रहा था वैसे ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी उसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। मार्च में आप लोगों को वैकेंसीज भी देखने को मिल जाएगी एज़ पर दी नोटिफिकेशन, जैसे कि डिपार्टमेंट ने बोला है, और 9,000 वैकेंसीज के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी इतनी जानकारी थी, आशा करता हूँ कि आप लोग इन जानकारी से संतुष्ट होंगे। इसके अलावा कोई सवाल जो आप लोगों को परेशान कर रहा हो, कमेंट बॉक्स में मैंशन करना, इसी वीडियो के माध्यम से ऐसे ही या फिर लाइव स्ट्रीम में आके, या फिर आपके सवाल का कमेंट बॉक्स में जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।